आप लोगों को मुझे पता कि समझ में भी आया होगा, उम्मीद करती हूँ ऐसी। आज का जो टॉपिक है बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से चार नंबर का छः नंबर का क्वेश्चन 100% आता है पेपर के अंदर। तो क्या होता है, कौन सा टॉपिक है बेटे हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। चैप्टर नंबर क्या होता है, कौन सा बेटे, आठवां चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। क्या कहेंगे, लागत की धारणा। लागत क्या होती है बेटे, कॉस्ट। पहले हम सिंपल तरीके से समझेंगे लागत। लागत क्या होती है, जब भी हम कोई किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, चाहे सिंपल उत्पादन करते हैं, चाहे 50 रुपये कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं, या हम करोड़ों का उत्पादन करते हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन करने के दौरान जो हमारा खर्च होता है, खर्च होता है, खर्च मीन क्या कहेंगे बेटा, लागत कहेंगे। सिंपल वे में क्या कहेंगे बेटा, इसको हम खर्च, जो खर्चा आता है उसे क्या बोलता है, ये लागत होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की क्या धारणा कहता है कि भाई जो हम भूमि पूंजी श्रम यानी कि बेटा बिल्डिंग यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, कच्चे माल के रूप में जो खर्चा होता है, भूमि के ऊपर खर्चा किया, भूमि को लगान दिया है, पूंजी को ब्याज दिया है, कच्चे माल उठाया है, जो लेबर को मजदूरी दी है, उनका जो खर्चा होता है उसे क्या कहता है बेटे, उनके ऊपर जो खर्च होता है उसे क्या बोलता है बेटे, यू आगत बोलता है। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं इसको हम, आगत बोलते हैं, इनपुट्स बोलते हैं। आगत मीन क्या समझेंगे, कन्फ्यूज मत होना, इनपुट। इनपुट ही क्या होती है बेटे, आगत होती है। इकोनॉमिक्स में होती सिंपल लागत ना बोलते, इसको क्या बोलेगा, इसको यो आगत बोलेगा। समझ में बेटे, तो हमने केवल आज तक हमने यही पढ़ा है कि भाई उत्पादन के दौरान जो हमारे कच्चे माल के ऊपर है, या भाई भूमि पूंजी बिल्डिंग के ऊपर मशीनरी के ऊपर जो खर्च होता है उसे क्या कहेंगे बेटे, हम लागत मानते हैं। ठीक है, उसे ही क्या मानते हैं, लागत। जो दूसरों को पेमेंट करते हैं, मान लिया हमने किसी वस्तु का बिजनेस स्टार्ट किया, कोई प्रोडक्शन किया, किसी वस्तु का प्रोडक्ट तैयार करने लग रहे हैं, तो दूसरों को मनी के रूप में पैसा देने लग रहे हैं हम। ठीक है, इतना खर्चा आया है, इतना बिल्डिंग वाले को दे दिया हमने, इतना मशीनरी को दिया हमने, इतनी लेबर दी हमने, ये सब, इन सब को क्या मानते हैं बेटे, हम लागत मानते हैं। लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स में क्या कहता है कि लागत के कई टाइप होते हैं। लागत के कितने टाइप बताए, इन्होंने 5 टाइप बताए। इनमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में श्योर होता है, 90% चांस होता है एक क्वेश्चन का आने का 2 नंबर का बेटा। तो इसके टाइप बोलते हैं इसको, या इसके इसके प्रकार। ठीक है, तो लागत के प्रकार कौन से होते हैं। पहला कहता है बेटा रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट मीन क्या कहेगा बेटा, इसको ये वास्तविक लागत कहेगा। रियल कॉस्ट मीन क्या होता है, वास्तविक लागत होता है। वास्तविक लागत का प्रतिपादन किसने किया था, सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने किया था। हमें पता कि हमारे एक्चुअल लाइफ में इसको काउंट नहीं करते हम, लेकिन बेटा जब हम अपने खर्चों को काउंट करते हैं तो उसमें A to Z हम जितना भी हमारा जो कुछ भी लगता है हम सबको काउंट करते हैं कि टोटल हमारा खर्च ये हो रहा है और ये हमारा उत्पादन हो रहा है। समझ में आया बेटे, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, वास्तविक लागत क्या होती है, रियल कॉस्ट होती है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर मार्शल ने किया था। उन्होंने क्या कहा था कि उत्पादन के दौरान जो एक मालिक को परिश्रम करना पड़ता है, दुख सहन करने पड़ते हैं, कष्ट सहन करने पड़ते हैं, धूप छा सहन करनी पड़ती है, परेशानियां सहन करनी पड़ती है, रातों को नींद उड़ानी पड़ती है, इन सब को ही क्या कहलाता है बेटे, इन सब को ही क्या कहेगा, रियल कॉस्ट कहेगा। समझ में आया, कोई भी मालिक करोड़ों रुपये का इन्वेस्ट करने लग रहा है, लाखों रुपये का इन्वेस्ट करता है, चाहे 50 रुपये का इन्वेस्ट ही क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका 50 का ही लेवल है उस बंदे का, तो 50 उसके लिए बहुत बड़ी बात है बेटे। जो 50 रुपये का ही खर्च करता है तो भी उसको ये लगता है क्या, कहीं मेरे 50 रुपये चले ना जाए, कहीं ना कहीं मन में क्या होता है, उसको टेंशन होती है बेटे। तो ये टेंशन होती, टेंशन भी किसने क्या कहता है, भी टेंशन भी क्या होती है, एक प्रकार की लागत होती है। किसने कहा ये, डॉक्टर मार्शल ने कहा। समझ रहा बेटे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन किसने की, मार्शल ने डेफिनेशन में क्या कहा है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कई बार तो हम काम करते हैं, खुद मालिक भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, या बेटा ऑफिस में बैठा है, खुद काउंट हो गया, खूब इन्वॉल्व हो गया, वो तो डायरेक्ट मेथड से हो गया, भी डायरेक्ट वे है भाई, सीधा वो भी काम करने लग रहा है, लेबर को भी लगा रहा है। और अप्रत्यक्ष इसने क्या कहा भाई, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। इनडायरेक्ट मीन क्या कहेगा बेटे, वो जैसे कि ऑफिस में बैठा है, जस्ट ऑफिस में वैसे कोई फर्म है, कोई उत्पादन लगाया उसने, कोई किसी प्रकार का उत्पादन किया, उनके कोई फार्मर है, वो बेशक खुद काम ना करता हो, लेबर से काम कराने लग रहा है, लेकिन जहाँ भी कहीं बैठा है, ऑफिस में बैठा, घर बैठा, उसको ये रहता है सारा दिन, कहीं भी लेबर काम ना करती हो, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं मंदी तेजी ना हो जाए, तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे विभिन्न प्रकार के श्रम तथा इसमें तैयार करने में लगी हुई पूंजी, जो उसमें पूंजी लगाया, जो पैसा लगाया है, उसको बचत करने के लिए उसने उपभोग स्थगन, मीन अपने आप को, अपने जो पैसे को उसने स्थगन पोस्टमार्टम करना है, अथवा प्रतीक्षा में निहित सभी प्रयत्न तथा त्याग मिलकर उस वस्तु की क्या कराते हैं बेटे, वास्तविक लागत होती है। जो उसने पूंजी लगाई है उस पूंजी का रिटर्न के लिए, रिटर्न मीन मैंने क्या बताया था, उसको वापसी, रिटर्न मीन क्या कहता है बेटे, उसने किस लिए पैसा लगाया है, प्रॉफिट के लिए पैसा लगाया है, तो उसने कम से कम भी वेट करेगा, वो कितना टाइम तक वेट करेगा, कम से कम 1 साल का टारगेट है, 2 साल का टारगेट है, तो जो वेट के दौरान जो प्रतीक्षा की है उसने, समझ में आ रहा बेटे, जो प्रतीक्षा की है उसने, प्रतीक्षा के दौरान बहुत लंबा टाइम हो गया, इतना पैसा लगा के, ठीक है ना, तो ये भी किस में काउंट होता है बेटे, रियल
पोस्ट में काउंट होता। एक बार एक क्वेश्चन आता पेपर के अंदर, कम से कम 3-4 साल पहले क्वेश्चन आता, ये स्टेटमेंट दे रखी थी, एक कुम्हार मिट्टी का खिलौना बनाने में अपने 8 घंटे स्पेंड करता है, कुम्हार है 8 घंटे स्पेंड करता है, तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? तो बेटा उसने 8 घंटे कंटिन्यू काम किया है तब जाके खिलौना तैयार हो गया है, तो ये उनकी मिट्टी का कोई वेट नहीं, कोई मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ना ही इसका कोई रेट है, लेकिन फिर भी बेटा मिट्टी को काउंट क्यों करें हम, उसका परिश्रम भी तो किया उसने 8 के 8 घंटे, 8 घंटे काम पर लगे ना वो, उसके पसीना भी आया है, परेशानी भी हुई है, धूप भी लगी है, छा भी लगी, गर्मी भी लगी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटे, किस में काउंट करेंगे इसको, रियल कॉस्ट आएगा, और सुन रहे सर मनी कॉस्ट है, इम्प्लिस्ट कॉस्ट है, एक्सप्लिस्ट कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है, तो किस में काउंट करेंगे बेटा इसको, हमें रियल कॉस्ट में काउंट करेंगे, समझ में आएगा, एक कुमार को 8 घंटे बनाने, 8 घंटे में मिट्टी खिलौना तैयार करता है, तो 8 घंटे जो परिश्रम लग गया है वो परिश्रम किस में काउंट होगा, तो परिश्रम किस में काउंट होगा बेटे, वो रियल कॉस्ट में काउंट होगा, क्लियर बेटे। सेकंड है बेटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सेकंड चैप्टर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं कराया अब तक, लेकिन कराऊंगी इसको मैं। अवसर लागत क्या होती है बेटे, अवसर देखो अपॉर्चुनिटी, ये कहते नहीं भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी मैंने अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको बेटे, मौका बोलेंगे, बोलते ना कि मेरे को चांस मिला है, मेरे को मौका मिला है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अवसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस सिंपल अपॉर्चुनिटी का मीनिंग पता लग गया, भी एक चांस होता है, एक मौका होता है, लेकिन साथ में क्या लगा इसने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाया इसने, क्या लगा बेटे, अवसर लागत लगाया है, तो लागत कम में शब्द लगा दिया, इसका मतलब तो बेटे इसका नेम चेंज हो गया, अपॉर्चुनिटी एज ए चांस मानते हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लागत का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति है उसको काम करने के लिए पहले कहीं और काम करता, फिर कहीं और काम करता है, तो जहाँ पहले काम करता था वहाँ पर उसको 1000 रुपये मिलते हैं, अब जहाँ दूसरी जगह काम करने के लिए आता है तो वो उस काम को जहाँ पे पहले करता था उस काम को क्या करेगा बेटे, उसको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 रुपये का काम छोड़ रहा है वो, अगर उसको 900 रुपये मिलते हैं तो बेटा वो वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 1000 रुपये का लॉस होया है, 100 रुपये लॉस होने लग रहा है, हाँ अगर उसको वहाँ से 1000 से प्लस मिलते हैं तो बेटा क्या करेगा वो, उसने प्लस मान लो 1100 रुपये मिलते हैं जहाँ दूसरी जगह काम करता, तो 100 रुपये उसको क्या मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, केवल 100 ही एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1000 रुपये तो उसको क्या होगा बेटा, उसने काम को उसने क्या करा, खोया है, तो त्याग कर दिया एक काम को उसने, त्याग कर दिया, क्योंकि एक बंदा दो जगह काम नहीं कर सकता, तो एक काम को क्या कर दिया उसने, त्याग कर दिया, समझना क्या बेटे, कि 1100 रुपये गेन करने के बदले में 1000 रुपया क्या किया उसने, त्याग किया है, उसे क्या कहेंगे बेटा हम, अवसर लागत कहेंगे। अवसर लागत से अभिप्राय क्या होती है, दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग का क्या करना बेटे, त्याग करना उसके मूल्य से है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर रेफर इज टू वैल्यू इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, क्या होता है बेटे, इसने क्या कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, फैक्टर रेफर टू क्या रेफर करता है, वैल्यू इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेज, जो हमने वैकल्पिक उपयोग किया उसके बदले में क्या त्याग किया, क्या खोया हमने, क्या वैल्यू खोई है उसकी, उसकी वैल्यू कितनी है, उसे क्या करेंगे बेटा हमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, क्लियर बेटे। उसके बाद आता है स्पष्ट लागत।